और बड़ी खबर आपको बता दें, 13 फरवरी को किसान दिल्ली चलो के नाम से किसान आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। इस बीच खबर यह है कि केंद्र सरकार के 3 मंत्री किसानों को समझाने के लिए उनके साथ बैठक भी करेंगे। ये बैठक चंडीगढ़ में होगी, जिसके लिए केंद्रीय मंत्री दिल्ली से जाएंगे। तो आपको बता दें, केंद्र के 3 मंत्री दिल्ली से जाएंगे, चंडीगढ़ में एक अहम बैठक होगी, किसान संगठनों को समझाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि जानकारी यही मिल पा रही है कि 12 फरवरी को किसानों और मंत्रियों के बीच जो बैठक होगी, उससे पहले किसानों की तरफ से एक बार फिर से आंदोलन की चेतावनी दे दी गई है। 15 से 20 हजार किसान ट्रैक्टर पर चलकर दिल्ली कूच कर सकते हैं। इस बीच आपको बता दें, तमाम जो 3 मंत्री हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से कि वो किसानों के साथ बैठक करें, उन्हें समझाने की कोशिश करें। और एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है, किसान संगठन दिल्ली में किसान आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और इसे लेकर के खुफिया रिपोर्ट भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि किसान आंदोलन के लिए 15 से 20 हजार किसान करीब 2500 ट्रैक्टर के जरिए यहां आ सकते हैं। आंदोलन के लिए अब तक हरियाणा और पंजाब में 40 बार बाकायदा इसकी रिहर्सल और मार्च भी हो चुके हैं, जबकि 100 से ज्यादा बार मीटिंग भी हो चुकी है इस आंदोलन के लिए। असामाजिक तत्व इस आंदोलन में शामिल होकर के कानून व्यवस्था को खराब कर सकते हैं, ये खुफिया रिपोर्ट आई है और इसकी एक बड़ी तैयारी चल रही है। कुछ किसान गुपचुप तरीके से पहले ही आकर के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री और बीजेपी के बड़े नेताओं के घर के बाहर इकट्ठे हो सकते हैं, खुफिया रिपोर्ट। और आंदोलन के बहाने हिंसा भी फैलाई जा सकती है, इसे लेकर रिपोर्ट में अफवाह ना फैलाने और सोशल मीडिया की निगरानी की सलाह भी दी गई है। और इसके साथ साथ दिल्ली के सभी बॉर्डर पर और दिल्ली के अंदर भी सुरक्षा और ज्यादा कड़ी करने की सलाह दी गई है। तो देखिए, किसान आंदोलन पर खुफिया रिपोर्ट, आंदोलन के लिए यहां पर 40 बार रिहर्सल हुई है। ग्राफिकली आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि खुफिया रिपोर्ट में क्या सामने आया। आंदोलन के लिए 40 बार रिहर्सल और मार्च हुए हैं, ये जानकारी निकल कर आ रही है। हरियाणा में 10 और पंजाब में 30 बार रिहर्सल की गई है, क्योंकि यही सामने आ रहा है कि असामाजिक तत्व जो है यहाँ पर हिंसा फैला सकते हैं, आंदोलन में शामिल हो सकते हैं करीब 20,000 किसान, ये आंकड़ा निकल कर आ रहा है। कभी करीब आपको बता दें 2500 ट्रैक्टरों के साथ आ सकते हैं किसान, यानी कि दिल्ली कूच कर सकते हैं। तमाम तैयारी की जा रही है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक से यहाँ पर किसान आएंगे। और लगातार उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि मोटरसाइकिल, कार, मेट्रो, रेल और बस से ये किसान आ सकते हैं, ये रूट उनका हो सकता है। किसान संगठनों की 100 से ज्यादा बार मीटिंग भी इस पूरे मामले को लेकर हुई है। हालांकि केंद्र सरकार कह रही है कि 3 मंत्री भेजेंगे चंडीगढ़ में, बातचीत होगी। कानून व्यवस्था खराब कर सकते हैं असामाजिक तत्व, ये भी खुफिया रिपोर्ट में सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन करने की बड़ी तैयारी है। बीजेपी के बड़े नेताओं के घर के बाहर भी इकट्ठा हो सकते हैं किसान। और देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये खुफिया रिपोर्ट सामने आई कि असामाजिक तत्व जो है हिंसा भी फैला सकते हैं, तैयारी पूरी की जा रही है। और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के कई इलाकों और सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने धारा 144 लगा दी है। जिस तरह की खुफिया रिपोर्ट आई है कि असामाजिक तत्व इन किसान आंदोलनों के आड़ में बड़ी हिंसक वारदात कर सकते हैं और इसके लिए अलर्ट किया गया है, और इसीलिए अब एहतियातन दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लगा दी है, खासतौर पर सीमावर्ती इलाकों में और उन खास जगहों पर जहां पर किसानों के प्रदर्शन की आशंका है। और बड़ी खबर आपको बता दें, 13 फरवरी को किसान दिल्ली चलो के नाम से किसान आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। इस बीच खबर यह है कि केंद्र सरकार के 3 मंत्री किसानों को समझाने के लिए उनके साथ बैठक भी करेंगे। ये बैठक चंडीगढ़ में होगी, जिसके लिए केंद्रीय मंत्री दिल्ली से जाएंगे। तो आपको बता दें, केंद्र के 3 मंत्री दिल्ली से जाएंगे, चंडीगढ़ में एक अहम बैठक होगी, किसान संगठनों को समझाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि जानकारी यही मिल पा रही है कि 12 फरवरी को किसानों और मंत्रियों के बीच जो बैठक होगी, उससे पहले किसानों की तरफ से एक बार फिर से आंदोलन की चेतावनी दे दी गई है। 15 से 20 हजार किसान ट्रैक्टर पर चलकर दिल्ली कूच कर सकते हैं। इस बीच आपको बता दें, तमाम जो 3 मंत्री हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से कि वो किसानों के साथ बैठक करें, उन्हें समझाने की कोशिश करें। और एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है, किसान संगठन दिल्ली में किसान आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और इसे लेकर के खुफिया रिपोर्ट भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि किसान आंदोलन के लिए 15 से 20 हजार किसान
करीब 2500 ट्रैक्टर के जरिए यहां आ सकते हैं। आंदोलन के लिए अब तक हरियाणा और पंजाब में 40 बार बकायदा इसकी रिहर्सल और मार्च भी हो चुके हैं, जबकि 100 से ज्यादा बार मीटिंग भी हो चुकी है इस आंदोलन के लिए। असामाजिक तत्व इस आंदोलन में शामिल होकर के कानून व्यवस्था को खराब कर सकते हैं, ये खुफिया रिपोर्ट आई है और इसकी एक बड़ी तैयारी चल रही है। कुछ किसान गुपचुप तरीके से पहले ही आकर के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री और बीजेपी के बड़े नेताओं के घर के बाहर इकट्ठे हो सकते हैं, खुफिया रिपोर्ट, और आंदोलन के बहाने हिंसा भी फैलाई जा सकती है। इसे लेकर रिपोर्ट में अफवाह ना फैलाने और सोशल मीडिया की निगरानी की सलाह भी दी गई है, और इसके साथ साथ दिल्ली के सभी बॉर्डर पर और दिल्ली के अंदर भी सुरक्षा और ज्यादा कड़ी करने की सलाह दी गई है। तो देखिए, किसान आंदोलन पर खुफिया रिपोर्ट आंदोलन के लिए यहाँ पर 40 बार रिहर्सल हुई है। ग्राफिकली आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि खुफिया रिपोर्ट में क्या सामने आया। आंदोलन के लिए 40 बार रिहर्सल और मार्च हुए हैं, ये जानकारी निकल कर आ रही है। हरियाणा में 10 और पंजाब में 30 बार रिहर्सल की गई है, क्योंकि यही सामने आ रहा है कि असामाजिक तत्व जो है यहाँ पर हिंसा फैला सकते हैं, आंदोलन में शामिल हो सकते हैं करीब 20,000 किसान, ये आंकड़ा निकल कर आ रहा है। कभी करीब आपको बता दें 2500 ट्रैक्टरों के साथ आ सकते हैं किसान, यानी कि दिल्ली कूच कर सकते हैं, तमाम तैयारी की जा रही है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक से यहाँ पर किसान आएंगे, और लगातार उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि मोटरसाइकिल, कार, मेट्रो, रेल और बस से ये किसान आ सकते हैं, ये रूट उनका हो सकता है। किसान संगठनों की 100 से ज्यादा बार मीटिंग भी इस पूरे मामले को लेकर हुई है। हालांकि केंद्र सरकार कह रही है कि 3 मंत्री भेजेंगे चंडीगढ़ में बातचीत होगी। कानून व्यवस्था खराब कर सकते हैं असामाजिक तत्व, ये भी खुफिया रिपोर्ट में सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन करने की बड़ी तैयारी है। बीजेपी के बड़े नेताओं के घर के बाहर भी इकट्ठा हो सकते हैं किसान, और देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये खुफिया रिपोर्ट सामने आई कि असामाजिक तत्व जो है हिंसा भी फैला सकते हैं, तैयारी पूरी की जा रही है। और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के कई इलाकों और सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने धारा 144 लगा दी है। जिस तरह की खुफिया रिपोर्ट आई है कि असामाजिक तत्व इन किसान आंदोलनों के आड़ में बड़ी हिंसक वारदात कर सकते हैं, और इसके लिए अलर्ट किया गया है, और इसीलिए अब एहतियातन दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लगा दी है, खासतौर पर सीमावर्ती इलाकों में और उन खास जगहों पर जहां पर किसानों के प्रदर्शन की आशंका है।